हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्रालोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने रोज़ा अफ्तार किया है अपना और हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग तैयार हो रहे थे 7 बजे, हम लोगों ने भागना घर से 7 बज चुके हुए हैं और क्योंकि हमारी फ़्लाइट है हम लोग लेट हो रहे हैं। और हमारा सामान माशाल्लाह से ये है, पहले अपने सामान कम होते थे जो अब एक और बैग हमारा एलियाना का आ गया है। ये मेरा बैग पैक तैयार है, मैंने बस इसको बंद करना भी जल्दी जल्दी में ऐसे रखा है। ये मदिया के 3 बैग हैं, वो एलियाना का बैग है और ये हमने हाथ में पकड़ना है। इसके अलावा एलियाना का कैरी कॉट लेना है और ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत हेक्टिक हो गई हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हमेशा कहीं भी हम लोग ट्रैवल करते हैं एक ही चीज़ होती है कि जो लगेज जाऊँ मुझे उठाना पड़ता है और मेरा हमेशा मदिया से इस बात पे लड़ाई होती है कि यार लगेज कम रखो कम रखो कम रखो ताकि मुझे उठाने में मसला ना हो, क्योंकि मैं इसको इस लिहाज से देखता हूँ। लेकिन अभी देखते हैं, वहाँ जाते हैं मदिया के लिए भी, वहाँ व्हीलचेयर भी करनी है और क्या कहते हैं ये सामान के लिए भी, बंदों को भी पकड़ना है। हम लोग लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। सो गाइस, कुछ रीजंस की वजह से मैं आज वाला जो व्लॉग है वो प्रॉपर्ली नहीं बना सकूँगा, मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकूँगा, दिखा नहीं सकूँगा, सिर्फ आप लोगों के साथ सिर्फ बात ही कर सकूँगा। रीजंस क्या हैं वो अभी मैं बता नहीं सकता, कुछ पर्सनल रीजंस हैं। तो उसमें ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, एलियाना का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, एलियाना को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये है कि वापस जब जहाज़ लैंड कर रहा था उस टाइम पे एलियाना थोड़ी सी रोना शुरू हो गई और इर्द गिर्द जो एक दो मदर्स थी जो भी उनके होंगे बेबीज़ होंगे उनको आइडिया होगा ट्रैवल करती होंगी, वो ये कहती कि एलियाना के कानों में थोड़ा सा आप प्रेस करो तो ठीक हो जाएगी। बट एलियाना नहीं ठीक हुई, वो काफ़ी रोई, बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद खैर अभी घर आके भी काफ़ी ज़्यादा रोई। सो ये था, ओवरऑल सब कुछ सही हो गया। और ये है कि ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप उस बच्चा जो होता है बीबी जो होता है ऐसे जो ट्रैवल कर रहा होता है उसके कानों में कॉटन्स रखें, क्योंकि एयर होस्टेस से मैंने पूछा था कि हमने इसके कानों में और रुई रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहती हैं आप चाहते हैं तो रख लें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हम लोग आप जो कहेंगे जो पेरेंट्स कहते हैं उनकी मर्ज़ी पे ये चीज़ें करते हैं। एलियाना के रोने की आवाज़ आ रही है, एलियाना उठ गई लेकिन वो बाहर है अभी। सो मैं अंदर आके लेट गया था ऐसे ही बस। और हेरा फेरी जो मूवी है मैं वो देख रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत बार देखता हूँ। असल में मेरी भी माइग्रेन हो रही है थोड़ी सी, मैं आप लोगों को बस अपनी रूटीन बता रहा था। इसी तरह हमने जब ट्रैवल किया हम लोग लेट हो गए थे, एक्चुअली हुआ ये था हम लोग लेट हो गए बहुत ज़्यादा। और बोर्डिंग जो है वो 45 मिनट पहले बंद हो जाती है, लेकिन हम लोग पहुँचे मतलब 9:20 की फ़्लाइट थी, हम लोग 9 बजे पहुँचे एयरपोर्ट पे। और इत्तेफाक ऐसा था कि वो अभी बोर्डिंग कर रहे थे, कोई 2-4 हम लोग रह गए थे जिन्होंने टिकट बुक करवाई हुई थी। तो पहले सामान का मसला पड़ गया हमेशा की तरह, सामान बहुत ज़्यादा था, 38 kg का एक बैग था, बाकी 25-30 से रंग और भी थे, 4 बैग्स थे। वहाँ वो मसला पड़ गया, उन्होंने कहा कि ये तो अलाउ नहीं है। उतनी देर में एलियाना ने रोना शुरू कर दिया, उसको दूध बना के देना था। और सबसे मसला ये हुआ कि एलियाना का जो दूध था हम लोग घर भूल आए थे, और मैं आहिस्ता आज बोल रहा हूँ, वैसे ही आहिस्ता बोल रहा हूँ, तबीयत अच्छी नहीं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आहिस्ता बोलते, तो आज तो मैं वैसे ही आहिस्ता बोल रहा हूँ, अपनी नॉर्मल टोन से, टोन बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो वो वहाँ मसला जल्दी जल्दी हुई, फिर उन्होंने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की, वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाएं। फिर मदिया के लिए व्हीलचेयर करवाई, व्हीलचेयर से वो गई क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सकती थी। और फिर ये है कि हम लोग गए और जो बेबी बैग बनाया हुआ था उसमें जो थर्मस रखा हुआ था उसमें गर्म पानी रखा हुआ था, वो हमारा जो है लीक कर गया और ऊपर से एलियाना रोई जा रही, अब कहीं से हमें दूध नहीं मिल रहा था। अब एयरलाइन वाले ज़्यादातर ऐसे करते हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं उनको सबसे एंड में लेके जाते हैं बोर्डिंग में, जब वो क्लियर करवाते हैं ना जहाज़ में जब जाना होता है। तो वहाँ इत्तफाकन हमारी एयरलाइन में एक बहुत ही अच्छा कपल था, उसको मैं अगेन थैंक यू कहूँगा, मैं उनका नाम भूल गया था, न्यूली मैरिड कपल लग रहा था उनकी वो थी, न्यूली पेरेंट कपल लग रहा था वो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनके पास मोगीना का पता नहीं इस तरह से एक और दूध है वो था, तो उनसे हमने बोरो किया थोड़ा सा दूध।
फिर एलियाना को दूध दिया, फिर हम लोगों ने स्टार्ट की, फिर हम लोग चले, फ्लाइट बहुत स्मूथ आई। और ये है, फिर जब हम लोग सामान ले रहे थे, एलियाना ने फिर रोना शुरू कर दिया, उसको भूख लग गई। 2 घंटे हो गए थे, ज़्यादातर बच्चों को 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, भूख लग गई। और इतफाक़न वो कपल सामने बैठा हुआ था, मैं लगेज अपना वहाँ से कैरी कर रहा था, ले रहा था, तो वो आंटी जो थी, खातून थी, वो खुद आई स्पेशल कि आपको और दूध चाहिए। मैंने कहा जी प्लीज़ आप दे दें। उन्होंने हमें स्पेशल दोबारा दूध दिया और हमें प्रॉपर गाइड भी किया कि आप 2 औंस ले रहे हो तो इसमें इतने चम्मच होने चाहिए इस तरह। तो अगेन मैं उनको थैंक यू कहूँगा अगर वो किसी तरह भी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं उनका नाम भूलना पूछना भूल गया था, तो अगेन थैंक यू सो मच। ये चीज़ें बहुत जो हैं असर करती हैं, और दूसरों की हेल्प करना स्पेशली रमज़ान में बहुत बड़ी बात होती है, और स्पेशली बच्चे की हेल्प करना। सो फिर हम लोग ऐसे ही हुआ कि हम लोगों ने फिर वहाँ से कैब ली और फिर हम घर आए। और मैं सारी रास्ते, असल में हमारा सामान ज़्यादा था, वो जो होता है ना ऊपर कैरी वाला, पता नहीं कुछ रखा होता मैंने, जहाँ हम सामान रखते हैं उधर सामान था। अब कराची में मैंने सुना हुआ है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती है, मैं बहुत डरा हुआ था। और गाड़ी में एलियाना ने पैंपर गंदा कर दिया, अब वहाँ पैंपर चेंज नहीं करवा पा रहे थे हम लोग, वो बेचारी और रोई जा रही। फिर उसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया, और फिर अल्लाह का शुक्र है खैर वाफियत से हम लोग घर पहुँचे। फिर बड़ी मुश्किल से लगेज ऊपर लेके आए, और बस फिर अभी लेटे में है। और बस मैं यही कहूँगा, इंशाल्लाह आज का व्लॉग थोड़ा मे बी आप लोगों को बहुत बोरिंग लगे, बट ये था कि आज की सारी एक्टिविटी थी, मैं प्रॉपरली व्लॉग आज नहीं बना पाया ड्यू टू सम इश्यूज़। और ये है कि कल मैं कराची में अपने कुछ दोस्तों से मिलूँगा, जैसे शराबील अब्दुल्ला हैं, और लोग हैं, लारेब हैं, और भी लोग हैं, तो उनके साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग देखेंगे क्या आगे क्या होता है। और मुझे यहाँ हमायूं भाई से भी मिलना है, हमायूं आलमगी जो डिज़ाइनर है उनसे भी मिलना है, मुझे अपने ईद के कपड़ों की बात करनी थी, और भी एक दो और लोगों से मिलना है। सो ये है कराची का मौसम, अभी मुझे गर्म लग रहा है ज़्यादा, मतलब अभी एसी ऑन है तो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि लाहौर में एक तो वैसे एसी हम ज़्यादा देर चला नहीं सकते क्योंकि एलियाना के लिए ज़्यादा सर्दी होती है। सो बस आज का व्लॉग छोटा सा है, सो उम्मीद है आपको ये व्लॉग प्राउड होगा, अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द कल मतलब दोबारा मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा आपसे मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था कि मैं रेगुलर कुछ भी हो मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊंगा, रेगुलरली आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, तो बस वही वादा पूरा करने मैंने बना रहा हूँ। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा आज, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, पता नहीं मैं इसे एडिट कैसे करूँगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और प्रालोक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।